तो क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र समझाऊंगा। तो जिस तरह के आपके पेपर रहेंगे, ये पेपर रहे मेरे पास, ठीक है, सारे जिले के जो भी एमपी बोर्ड के जितने भी जिले हैं सभी के पेपर मिलेंगे। दो या तीन पेपर ही सारे एमपी बोर्ड में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा, ठीक है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? 26 नवंबर 1949 को। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी क्या है? कानूनी शक्ति का अभाव। और नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहां प्रयोग हुआ था? फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोक सकती है? तो भैया 14 दिन तक रोक सकती है ना। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, भारत का उच्चतम न्यायालय है दिल्ली में। नगर निगम की संरचना में सम्मेलन में सम्मेलन होने की वाली इकाई है, ये आपके उपयुक्त सभी। भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने का जो उत्तरदायी होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपये होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। भारतीय संविधान निर्माता के संविधान का एक संतुलित दस्तावेज रिपब्लिक बनाने के पक्षधर में थे। यहां से देखिए जोड़ी की बात करते हैं अपन ये, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, इसका जाएगा पहला 1922, ठीक है, 1922 आ जाएगा। इसके बाद में आपका अगला देखते हैं, तो अगला जो है, ठीक है, वो आपका यहां से अनुच्छेद 370 संबंधित था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से हिंदू स्वराज्य का गांधी जाएगा। प्रत्येक नागरिक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, उसका राजनीतिक समानता कहलाता है। मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार का जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। यहां से देखिए आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, यही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। आप अच्छी मेहनत करिए, मैं आपको 2-3 तरह के पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्हीं पेपरों में से एक पेपर आपका परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, है ना। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? संविधान के दो कार्य लिखने हैं, न्यायपालिका के कार्यों को समझाना है। उच्चतम न्यायालय की रचना किस प्रकार की होती है? संगठनात्मक शासन के प्रमुख दोष बताइए, ठीक है। भारतीय संविधान एक जीवांत दस्तावेज, स्पष्ट कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। भारतीय संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको बतानी है, ठीक है। समानता कितने प्रकार की होती है? आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय। सामाजिक न्याय का अर्थ आपको बताना है, न्याय के प्रकार। यहाँ से धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन आपको करना है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं लिखिए। चलिए इसके बाद में अपना पंचायती राज से क्या से है, जनपद पंचायत के आपको कार्य बताने हैं। मतदान